फरीदाबाद में आज दो दिन की सभी सरकारी बैंकों ने हड़ताल शुरू कर दी। बैंकों में सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और निजीकरण किए जा रहे दो बैंकों के पक्ष में निजीकरण का विरोध किया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के सरकारी पंजाब नेशनल बैंक के परिसर की हैं, जहां आज जिले के सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार के द्वारा दो बैंकों को निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं। वहीं सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि सरकार अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी बैंकों को निजी हाथों में बेचने का काम कर रही है। लोगों का ये भी आरोप है कि सरकार गरीब लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, क्योंकि गरीब लोगों को लोन देने का काम सरकारी बैंक करते हैं, जबकि निजी बैंक किसी भी वर्कशॉप चलाने वाले, रेडी पटरी लगाने वालों को लोन नहीं देते। इस मौके पर बैंक कर्मचारी यूनियन के कई पदाधिकारियों ने सरकार की इस नीति की घोर निंदा की। प्रदर्शन सरकार के निजीकरण विरोध के कारण किया जा रहा है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो पार्लियामेंट में बिल पास होने जा रहा है उसको रोकने के लिए स्ट्राइक की जा रही है। रणनीति ये होगी कि आगे भी हम फाइट करेंगे इसी तरह, और ये फाइट रुकेगी नहीं जब तक ये निजीकरण बंद नहीं होगा। सर, स्लोगन में जो बैंक बचाओ देश बचाओ, ये है कि अगर निजीकरण हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो बैंक हैं ये पूंजीपतियों की बैंक हो जाएगी, गरीबियों की बैंक नहीं होगी। आज आप भी देखते हो और कई ब्रांचों में आप भी जाते हो, तो उसमें क्या है कि गरीब किसी भी प्राइवेट बैंक में आपने किसी को 100 रुपये या 200 रुपये निकालते हुए देखा है? नहीं, सिर्फ ये नेशनलाइज बैंक के अंदर ही है। और किसी बैंक में जो पेंशन का है वो प्राइवेट बैंकों में किसी में भी नहीं है। बैंक कर्मचारी ने बताया कि अभी सरकार दो बैंकों का निजीकरण कर रही है, लेकिन सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में सरकार सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा कदम उठाया गया तो सभी सरकारी बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वी न्यूज के लिए मनोज श्रीवंशी की रिपोर्ट। गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।